रिटन कोड। आज हम सी प्रोग्रामिंग में नेस्टेड इफ एल्स और लैडर एल्स इफ इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, नेस्टेड। तो अगर हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज कर रहे हैं या फिर एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स। प्रोग्रामिंग में आप कितने भी नेस्टेड करते चले जाएं कोई रोक टोक नहीं है। मतलब आप एक इफ के अंदर फिर दूसरा इफ, दूसरे अंदर दूसरे के अंदर तीसरा इफ, इस तरह से जितने भी आप चाहें उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो ये होगा अपना क्या, नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स। इसी प्रकार से सिमिलर जब आप लूप पढ़ेंगे तो लूप में भी जितने भी आप चाहें कि हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे के अंदर तीसरा लूप, तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं कि नेस्टेड इफ कैसे यूज करेंगे। तो नेस्टेड इफ हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, नेस्टेड इफ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूं। यहाँ पे मैं वाइड मेन मेन फंक्शन ले लेता हूं और यहां से ये स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए मैं अगर रियल प्रोग्रामिंग में कुछ करना चाहता हूं तो जैसे मान लीजिए कि मैं रिजर्वेशन की बात करूं, तो रिजर्वेशन में मान लीजिए अगर मैं टिकट के लिए रिजर्वेशन देना चाहता हूं तो सीनियर सिटीजन में मैं अगर इस तरह रिजर्वेशन दूं कुछ कि जो व्यक्ति है जो आ रहा है यदि वो 60 से एवब है, उसकी जो एज है 60 से ज्यादा है, और यदि वो फीमेल है, तब उसके लिए मैं कुछ भी ब्लॉक या कुछ भी काम करना चाहता हूं, या फिर मान लीजिए उसके लिए मैं कोई किसी भी तरह का रिजर्वेशन देना चाहता हूं, तो यदि इसको मैं लिखना चाहूं साधारण से और नेस्टेड इफ के माध्यम से, नेस्टेड इफ के थ्रू अगर लिखूं तो किस तरह से, देखिए लिखूंगा। मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप का एक एज नाम का वेरिएबल लिया जहां पे उस पर्सन की एज ली जाएगी। यहां पे मान लीजिए मैं यहीं पर डिफाइन किए दे रहा हूं, इसको मैं कीबोर्ड इनपुट भी ले सकता हूं यदि चाहूं, है ना। और इसके बाद मान लीजिए मैं एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें मैं उसको ये इंडिकेट करूंगा कि वो मेल है या फीमेल है। तो मान लीजिए मैंने एक सेक्स वेरिएबल लिया जिसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे मेल फीमेल, जो भी मैं ले लूंगा। अभी मान लीजिए मैं फीमेल ही ले रहा हूं और ये किया मैंने। अब मान लीजिए अब मैं कंडीशन चेक करना चाह रहा हूं, इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 यदि ऐसा हो और इसके साथ साथ में क्या हो, उस पर्सन का जेंडर है जो, वो जेंडर क्या हो, मान लीजिए दूसरा एक मुझे चेक करना पड़ेगा, उसका जेंडर अगर वो फीमेल है तब उसके लिए यहां पे मान लीजिए मैं कोई भी उसको फैसिलिटी देना चाहता हूं या कोई भी उसके लिए जो भी रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन देना चाहता हूं। तो उसके लिए मान लीजिए अभी तो मैं एक आपको सिर्फ मैसेज प्रिंट करके दिखा दे रहा हूं और मैंने यहां पे लिख दिया ओल्ड वुमेन। ओके,
अब यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, देखिए होगा क्या, सबसे पहले वो यहां पे ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन के नीचे आया, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और यहीं पे मैंने वैल्यू भी इनको असाइन कर दी है। इसके बाद वो यहां आएगा और यहां पे वो चेक करेगा इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60, यदि उसकी जो एज उम्र है यदि वो 60 से ज्यादा है या 60 के बराबर है, तब वो क्या करेगा, दूसरा एफ चेक करेगा उसका जेंडर क्या है। यदि उसका जेंडर फीमेल है तब उस कंडीशन में, मान लीजिए यहाँ पे मैं रिजर्वेशन देना चाहता हूँ उसको 5% 10% या जितना भी, या जो भी उसके लिए कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, या फिर इसी तरह का मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो सिंपली ये ऐसा ही होगा। अब देखिए इसको मैं कंपाइल करके और रन करके देखता हूँ, ठीक है। देखिए कंपाइल किया मैंने, यहाँ पे जीरो एरर है अभी, और एक मिनट में यहाँ पे गेट सी एच भी यूज कर लेता हूँ ताकि मैं आउटपुट को देख सकूं एक ही बार में, और मैं इसको रन कर लेता हूं। ये देखिए ओल्ड वीमेन, मतलब हुआ क्या, यहां पे मैंने एज दे रखी है 68, ठीक है, यहां पे एज दे रखी है 68, और इसके बाद में यहां पर इसका जो जेंडर है वो फीमेल है और ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे ये ओल्ड वीमेन का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR यूज कर ले रहा हूं। देखिए इसका यूज अगर मैं इस यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद यूज करूंगा तो वो मेमोरी को फ्लैश कर देगा, मतलब कि जो मैंने वेरिएबल को वैल्यू दी है वो वो उसको क्लियर करेगा, इसलिए मैं इसको ऊपर यूज कर ले रहा हूँ। जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो पुराना जो भी डेटा है कंसोल में उसको क्या कर देगा, वो क्लियर कर देगा, और इसके बाद में जो नया डेटा आएगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। फिर से मैं इसको यहाँ रन करके देखूं, ठीक है, ये देखिए ओल्ड। तो इस प्रकार, अच्छा अब यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट बदल देता हूँ, मान लीजिए मैंने 8 ईयर कर दिया यहाँ पे एज जो है, अब अगर मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तब क्या होगा, ये देखिए मुझे कुछ नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ के एल्स में मैंने कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। और यहां पर हुआ क्या कि देखिए ये इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फाल्स हो गई। अगर कंडीशन यहां से फाल्स है तो इसके अंदर एग्जीक्यूशन नहीं जाएगा, और जब इसके एग्जीक्यूशन अंदर नहीं जाएगा तो यहाँ पे मुझे कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हाँ अगर मैं यहां पर मान लीजिए यहां पे अगर मैं दे रखा होता एल्स और यहां पे कुछ भी मान लीजिए मैं प्रिंट कोई भी वेरिएबल कुछ भी यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकता था, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता यू आर चाइल्ड, अब अगर मैं इसको दोबारा से रन कराता तो यहाँ पे ये देखिए ये मुझे मिल रहा है यू आर चाइल्ड, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एज है ये एज यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे जब ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तब वो क्या होता है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं उनमें मैंने इफ एल्स को बताया था, तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको भी देख सकते हैं आप, फिर इसको बाद में देखें, लेकिन वो एग्जीक्यूशन या काम इसी तरह से होता। तो इस तरह से ये है नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ करना चाहता, मान लीजिए इसके अंदर मैं और भी ब्लॉक इफ का ही देना चाहता, अगर देना चाहता इफ और भी कोई कंडीशन देना चाहता, अगर वो जो वुमेन है वो अगर हैंडीकैप्टेड है तब उसके लिए मैं और कुछ अगर काम करना चाहता तब इसके अंदर में वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख देता, वो कंडीशन लिख देता, और यहाँ की जो ये कंडीशन होती फिर और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता मैं यहाँ पे दे देता,
तो इस तरह से मैं जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चाहूं उतने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रख सकता हूं और वो एग्जीक्यूशन उसी तरह से होगा। तो ये था नेस्टेड इफ। अब मान लीजिए मैं कोई इफ कंडीशन है और उस इफ के अंदर यदि पूरा इफ एल्स यूज कर दूं, कोई एक इफ कंडीशन है और उसके अंदर पूरा का पूरा मैं इफ एल्स यूज कर दूं, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि वो कहलाएगा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब अब उसमें क्या है कि यदि मैं एल्स के अंदर पूरा ब्लॉक चाहूं तो एल्स के अंदर दे सकता हूं और अगर इफ के अंदर देना चाहूं ब्लॉक तो इफ के अंदर दे सकता हूं। तो इफ या एल्स के अंदर इफ एल्स का यूज कर देना, या तो इफ के अंदर या फिर एल्स के अंदर। पूरा मैं इफ एल्स यदि यूज किए दे रहा हूं तो उस कंडीशन में वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा नेस्टेड इफ एल्स। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहां पे जो काम करना चाहता था वो मान लीजिए सिर्फ मैंने काम किया किसके लिए, फीमेल के लिए। अगर मैं यहां पे काम करना चाहता मेल के लिए भी तब क्या होता, देखिए मान लीजिए मैं यहां पर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ले रहा था, इसके बाद यहां पे मैं एक कंडीशन दे रहा हूं इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 और इसके बाद मैं यहां पे दूसरा इफ यूज कर ले रहा था और इसमें मैं चेक करा रहा था कि यदि उसका जो जेंडर है वो क्या है, फीमेल है, तब वो इसके लिए मैं एग्जीक्यूट कर रहा था कि वो क्या होगी, यू आर ओल्ड ओल्ड वुमेन। अब यदि मैं चाहता कि यदि उसका जो जेंडर है यदि वो फीमेल नहीं है तब वो क्या है, तब वो यहां पर हो जाता यू आर ओल्ड मैन। अब देखिए इस कंडीशन में या इस केस में क्या होगा, मैंने क्या किया है कि एक इफ के अंदर ये देखिए एक ये जो अपना इफ है ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां ये क्लोज हुआ, ओके। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है कि पूरा एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रखा है, ये इफ हो गया और ये एल्स हो गया। अब मैंने जो पूरा इफ एल्स यूज कर रखा है तो ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स, मतलब एक इफ के अंदर मैंने क्या किया दूसरा इफ एल्स यूज कर लिया है। अब अगर मैं बात करूं तो इसका मैं एल्स पोर्शन भी दे देता हूं, अगर यहां पे जैसे एज और ये उसका जेंडर यदि चेक करेगा, इसके बाद इसमें से वो ओल्ड मैन है या ओल्ड वीमेन है उसके लिए यहां पे जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होना होगा वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहां पे आप जो भी कोड देना चाहें अकॉर्डिंग टू नीड, जो भी हमें सॉफ्टवेयर में आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो भी हम कोड देना चाहेंगे उसको दे सकते हैं। अब देखिए इसका ये जो इफ है इसका मैं नीचे एल्स यूज कर रहा हूं, वो इस हिसाब से कि यदि उसकी जो एज है वो एज अगर 60 से कम है तब मैं उसको कुछ बोलना चाहता हूं कि वो क्या उसके लिए, मान लीजिए अगर मैं रेलवे में अगर सॉफ्टवेयर बना रहा होता तो उसके लिए मैं क्या करता कि नॉर्मल किराया यूज कर लेता, तो मैं यहां पे दे सकता हूं एल्स
यू आर यंग, तो देखिए क्या होगा, यदि ये जो इफ है, यदि ये इफ फॉल्स हो जाएगा तब वो डायरेक्टली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, यहां से सीधे स्विच करके, मतलब ये पूरे ब्लॉक फिर एग्जीक्यूट नहीं होंगे इसके अंदर के, और ब्लॉक कहां, इससे एग्जीक्यूशन सीधे सीधे कहां आ जाएगा, यहां पे इस समय आ जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा। चलिए इसको देखते हैं। अभी की सिचुएशन में अभी जो हमने वेरिएबल या वैल्यू ले रखी है वो क्या ले रखी है, हमने यहाँ पे एज रखी है 8, मान लीजिए अभी मैं 80 कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे देखिए ये फीमेल है तो मैं इसको मेल कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन चेक होगी उसके हिसाब से हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट किसका एग्जीक्यूशन होगा, ये होगा ओल्ड मैन का। क्योंकि देखिए पहले क्या होगा, अगर हम मैन्युअली इसको चेक करके देखें तो यहां पर ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60, ये कंडीशन ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इफ के अंदर आएगा, इस इफ के अंदर। तो यहां पे क्या होगा, ये चेक होगा इफ इसका जो जेंडर है इज इक्वल टू फीमेल, फीमेल नहीं है, जब फीमेल नहीं है तो इसका ये वाला अंदर का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होके एग्जीक्यूशन कहां चला जाएगा, इसके एल्स पोर्शन में चला जाएगा और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब चूंकि ये वाला ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आया है इसलिए इसका जो एल्स पोर्शन होगा, इसका एल्स पोर्शन कहां है, ये है, तो ये वाला भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अच्छा चलिए इसको अब रन करके देखते हैं। ये देखिए यू आर ओल्ड मैन, क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरह से देखे रखा। मान लीजिए अब देखिए मैं यहाँ पे एज ये दे रहा हूं 50 ईयर। अब इस कंडीशन में वो जो पर्सन है वो क्या है, यंग है, तो उसी का मुझे अब यहाँ पे रिजल्ट मिलना चाहिए, यू आर यंग। तो इस तरह से नेस्टेड इफ या फिर नेस्टेड इफ एल्स कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, नेस्टेड इफ पहले देखा था और इसमें देखा हमने नेस्टेड इफ एल्स, और मीनिंग क्या कि किसी भी इफ या एल्स ब्लॉक के अंदर पूरा इफ एल्स यूज कर देना या इफ एल्स का प्रयोग कर लेना कहलाता है नेस्टेड इफ एल्स। और इसमें भी हम सेंटेक्स अगर सही लिख रहे हैं तो किसी भी तरह से कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक ये प्रॉब्लम है हमारे सामने कि जो इसके पहले लेक्चर्स में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे एंड पढ़ाया था, और पढ़ाया था, और नॉट पढ़ाया था, तो उनका प्रयोग हम किस तरह से करें, जो एंड और नॉट ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका यूज हम इफ एल्स के साथ में, क्योंकि वहां पर हमने बताया था कि इनका प्रयोग हम इफ एल्स के साथ में करेंगे, तो इफ एल्स के साथ में इसका प्रयोग हम कहां पे और कैसे करें और उसका प्रयोग कैसे होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर एक मान लीजिए आपको प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम की जो आवश्यकता है वो कुछ इस तरह से है कि एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट्स के जो फाइनली जो मार्क्स हैं, मार्क्स का जो परसेंटेज है वो इनपुट किया जा रहा है और उसके हिसाब से आपको ये चेक करना है कि वो स्टूडेंट है तो क्या वो फर्स्ट क्लास है या फिर सेकेंड क्लास है या फिर थर्ड क्लास है या फिर फेल है। और आपको क्राइटेरिया ये रखना है कि यदि उस स्टूडेंट के जो परसेंटेज मार्क्स हैं यदि वो 60 या 60 से एबव है तब उस केस में वो फर्स्ट क्लास होगा, और यदि उसके जो परसेंटेज मार्क्स हैं यदि वो 45 के इज इक्वल टू है या फिर 45 से ज्यादा और 60 से कम है तब वो सेकेंड क्लास है, और यदि वो 33 से 45 के बीच में है तब वो थर्ड क्लास है, और यदि वो इससे कम पा रहा है तो वो
फेल है। इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है, तो इसके लिए मान लीजिए आप यहाँ पे परसेंटेज लेंगे, तो मान लीजिए उसका परसेंटेज नंबर जो भी होगा यहाँ पे हम ले लेंगे, अभी मान लीजिए कुछ भी हम डिसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि सिर्फ इसी को चेक कर लेना है कि दिया गया जो परसेंटेज है वो परसेंटेज 60 से ज्यादा है, 60 से कम है, या फिर क्या है, वो कंडीशन हम यहाँ पे चेक करके देख रहे हैं। मान लीजिए मैं चेक करने की यहाँ शुरुआत करता हूं और मैं चेक करता हूं परसेंटेज इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज इज लेस देन 100, क्योंकि 100 से ज्यादा तो परसेंटेज नहीं हो सकता ना, इक्वल हो सकता है, तो मैं लेस देन इज इक्वल टू लगा सकता हूं। ओके, अब यहां पर वो जो स्टूडेंट है वो कैसा है, वो फर्स्ट क्लास है। मान लीजिए मैंने यहां पे दे दिया प्रिंट है स्टूडेंट इज फर्स्ट क्लास। ओके, अगर उसका परसेंटेज 60 या 60 के अबव है और 100 से कम या 100 के बराबर है, तब वो फर्स्ट क्लास है स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन, यदि वो परसेंटेज जो गेन कर रहा है, यदि वो इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 एंड परसेंटेज इज लेस देन 60, तो इस कंडीशन में वो स्टूडेंट क्या है, सेकेंड क्लास। स्टूडेंट सेकेंड क्लास है यदि दूसरी और कंडीशन जिसमें हमें थर्ड क्लास का चेक करना है, तो यहां पर उसका जो परसेंटेज होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 एंड परसेंटेज इज लेस देन 45, तब इस केस में वो जो स्टूडेंट है वो क्या है, इस केस में जो स्टूडेंट है वो है थर्ड क्लास। देखिए प्रोग्रामिंग में जो भी चीजें आप लाइव देखेंगे वही चीजें आप बेहतर समझेंगे, और प्रोग्रामिंग को समझने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप उसको लाइव देखें और उसको आप करें भी। जब खुद से आप ये प्रयोग करेंगे तो आप सारी चीजों को एज इट इज समझ जाएंगे कि हाँ ये वर्क वैसा हो रहा है। अब यदि कहीं भी आपको किसी तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, यदि आपने उसको प्रैक्टिकली देखा है और प्रैक्टिकली आपने किया है, तो डेफिनेटली आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इसलिए ये प्रोग्रामिंग है, आप यदि करके एक बार भी सीख लिए इसको तो आप इसको बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, और आगे आप किसी भी फील्ड में अगर प्रोग्रामिंग में आगे काम करने वाले हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग है ऐसी कि आप इसको सीखेंगे वो भी करके सीखेंगे। और यहाँ पे मैं वही कोशिश करता हूँ कि आप कोई भी चीज को सीधे लाइव देखें करें, है ना। और यहाँ पे देखिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, लॉजिकल
लॉजिकल ऑपरेटर का इफ और एल्स के साथ में, ठीक है। अब यहां पे अगर वो ऐसा नहीं है, इफ परसेंटेज जो है यदि वो लेस देन 33 है, तब इस केस में वो जो स्टूडेंट है स्टूडेंट फेल, वो स्टूडेंट अब फेल है। तो सिंपली मैंने किया क्या, अब यहां पे इसकी जो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर अगर किसी भी इफ में लगा है या किसी भी इफ की कंडीशन में लगा है, तो जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ये सिमिलर काम करता है अपने एंड ऑपरेटर काम करता है सिमिलरली अपना जो गेट होता है एंड गेट, एंड गेट की तरह काम होता है। जब सारी वैल्यूज वन होंगी, सारे सिग्नल्स ऑन होंगे, तभी वो हमें ऑन या वन रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगा। अदरवाइज किसी भी केस में यदि एक कंडीशन फाल्स होती है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो फाल्स मिलेगा। अब इस केस में हमने क्या किया है कि परसेंटेज कोई भी लिया, कोई भी इसको हम यूजर इनपुट भी बना सकते हैं, और यहां पर हमने कंडीशन ये चेक कराई है। अब इन कंडीशन के चेक के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि क्या काम सही हो रहा है। देखिए हम रन करके देखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट सेकंड क्लास, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो दे रखा है परसेंटेज कितना दे रखा है 45। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ थर्ड, ये 78। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है, इस केस में हम रन करके देखें और हमें फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए और ये स्टूडेंट फर्स्ट क्लास, ओके। अब मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूँ फेल के लिए, मैंने मान लीजिए दे रखा है 30। अब इस केस में क्या होना चाहिए, वो मुझे फेल कर देगा, ये देखिए और ये फेल। तो यहां पर मैंने किया क्या कि लॉजिकल ऑपरेटर का इफ के साथ या एल्स के साथ में किस तरह से प्रयोग करना है हमें। अब देखिए यदि मैं यहां पे और ऑपरेटर यूज किया होता तो और ऑपरेटर में क्या है, अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती तब वो मुझे यहां पर आउटपुट देता। कैसे, जैसे मान लीजिए यहीं पे देखिए, अभी इस केस में यदि मान लीजिए मैं इसको परसेंटेज दे दे रहा हूं कि ये 300 दे दे रहा हूं, तब क्या होगा, अभी के हिसाब से अगर देखें तो यहां पे मैंने कोई भी ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नहीं लिखा है जो क्या करे, इसको यहां पे फुलफिल करे। देखिए रन करके देखता हूं अगर, ये देखिए, और यहां पे मुझे कोई आउटपुट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी मैंने ऐसी स्थिति नहीं दी है। सपोज दैट मान लीजिए मैं यहां पे एक कंडीशन दे देता इसके लिए, यहां पे अगर इसको मैं यहां पे ये तो ग्रेटर देन कर दूं, या फिर मान लीजिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं और ऑपरेटर, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं और यहां पे परसेंटेज इज वो तो खैर एक ही से काम हो जाता, ठीक है। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता और ऑपरेटर, तो यदि कोई भी एक कंडीशन यदि सही होती तब मुझे जो रिजल्ट मिलता वो ट्रू मिलता और उसके अंदर का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। तो इस प्रकार से हम इफ के साथ में या एल्स के साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब देखते हैं एक अगला कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं लैडर एल्स इफ या फिर एल्स इफ क्लास, मतलब एल्स इफ क्लास और एल्स इफ लैडर।
अब else if ladder क्या कि हम कोई भी कंडीशन इफ कंडीशन दिए इसके बाद else if, यदि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ladder मतलब सीढ़ी नुमा, जैसे ये फिर ये फिर ये, इस तरह से हम एग्जीक्यूट करते जाते हैं। तो वही काम अगर हम करना चाहें तो else if ladder या फिर सिमिलरली उसको ये भी कहते हैं कि else if clause, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अब अगर यही वाला प्रोग्राम जो हमने यहां पे बनाया है इस तरह से, तो अगर इसी का प्रयोग हम else if ladder के माध्यम से अगर करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने if कंडीशन दिया, इसके बाद में दे रहा हूं else if, फिर अगर ये नहीं तो ये हो, else if, else if। अब यहां पे यदि मैं इसकी कंडीशन ना भी यूज करूं तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे मैं सीधे सीधे यूज कर दूं else, मतलब एक मैंने यहां पे if यूज किया, इसके बाद में क्या प्रयोग किया मैंने else if, else if, और जितने भी आगे में कंडीशन देना चाहूं else if, else if, else if, सो मैं दे सकता हूं, वो सिमिलरली उसी तरह से वर्क करता चले जाएगा, एग्जीक्यूशन उसका होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये इफ else if ladder या फिर else if clause का मैं यूज करता हूं। अब देखिए सिम क्या ये उसी तरह से काम करता है, मैं फिर से यहां पे इसको रन करके देखता हूं और ये देखिए मुझे फर्स्ट क्लास का रिजल्ट दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे दे रखा है क्या 67। ओके मान लीजिए मैं सेकंड क्लास के लिए चेक करना चाहता हूं, मैंने यहां पे दिया 50, अब जो मेरा रिजल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए सेकंड क्लास, और ये देखिए स्टूडेंट सेकंड क्लास। तो इस तरह से हम जितने भी else if यूज करना चाहें उतने else if यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, कोई भी इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब कंडीशनल जो भी अपने क्लास है और इसमें से अपना एक कंडीशनल ऑपरेटर बच रहा है, तो देखिए उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है अब, कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल 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 ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं अभी। देखिए जो कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है, अगर उस सिंटैक्स की बात करें तो क्या है, इसमें होता है एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वन और ये क्वेश्चन मार्क, इसके बाद एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन टू एंड कॉलन एक्सप्रेशन थ्री एक्सप्रेशन थ्री। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए ये जो एक्सप्रेशन वन है, इस एक्सप्रेशन वन में कोई भी कंडीशन दी जाएगी, कोई भी कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि हम इफ एल्स का प्रयोग कर रहे थे, तो इफ एल्स में क्या करते थे हम कि इफ में कोई भी कंडीशन देते थे, इसके बाद में उसके अंदर कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था यदि वो कंडीशन ट्रू है, और यदि कंडीशन फॉल्स है तब वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ का यूज ना होके या इफ का एग्जीक्यूट ना होके एल्स का एग्जीक्यूट होता था। तो सिमिलरली यदि ये एक्सप्रेशन वन में दी हुई यदि कंडीशन यदि ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा किसका, एक्सप्रेशन टू का। यदि कंडीशन फॉल्स है तब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एक्सप्रेशन थ्री का। बस यही है अपना कंडीशनल ऑपरेटर, इट यूज जस्ट लाइक ए फिल्स,
इसका जो यूज है जस्ट इफ एल्स की तरह ये प्रयोग में लाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम उसका ही एक देखिए एग्जांपल देख रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक कोई वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं डायरेक्टली इसको एक प्रयोग कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं कोई कंडीशन देखना देना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने दिया सिक्स इज ग्रेटर देन टू और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया और मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ 10 और देन 20। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पर यदि ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन यदि यहां पे ट्रू है तब क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा 10 का, मतलब इस पूरे ब्लॉक का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 10 होगा। अब ये 10 इंटीजर वैल्यू है और यहां पे मैं इस 10 को असाइन किए दे रहा हूं, किसको, ए को असाइन किए दे रहा हूं। यदि ये कंडीशन फॉल्स होगी तब जो वैल्यू है या फिर जो स्टेटमेंट है वो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा और यहां पे मैंने वैल्यू दे रखी है क्या 20, तो मींस 20 असाइन हो जाएगा किसको, ए को। अब यहां पे यदि मैं इस ए को प्रिंट करके देखूं, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी आइडेंटिफायर बिकॉज हियर आई एम प्रिंटिंग इंटीजर वैल्यू, ओके सो हियर ए। अब यहां पर अभी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इस केस में जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। मैं इसको रन करके देख लेता हूं क्या ऐसा हो रहा है। ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 मींस कि अच्छा, अब यहां पे देखिए एक बार मैं इसको यहां पे फॉल्स करके कंडीशन देखता हूं, ओके फॉल्स कंडीशन में देखूं क्या रिजल्ट दे रहा है मुझे, तो दे रहा है 20, ओके तो क्या हुआ कि यहां पर यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली ये इफ एल्स की तरह यूज हो रहा है और इसका प्रयोग हम इस तरह से कहीं भी जहां भी चाहे कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने 10 20 ये दे रखा है, आप यहां पे कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रख सकते हैं, जो भी आप यहां पे काम कराना चाहें वो काम इसमें से होगा, लेकिन जनरली इसका यूज हम कम ही करते हैं, ज्यादा जब कहीं अगर विशेष तरह की आवश्यकता पड़ी तब हम इसका प्रयोग करते हैं, नहीं तो हम मोस्टली इफ एल्स का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने पहले देखा कि जो इफ है वो नेस्टेड इफ क्या कैसे काम करेगा, इसके बाद हमने देखा कि नेस्टेड इफ एल्स क्या है और नेस्टेड इफ एल्स कैसे प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद हमने ये भी देखा कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स इफ एल्स के साथ में प्रयोग कैसे किए जाएंगे, इसके बाद हमने ये देखा कि अपना लैडर एल्स इफ प्रयोग कैसे किया जाएगा या लैडर एल्स इफ का प्रयोग कैसे करेंगे, और फाइनली इसके बाद हमने देखा कंडीशनल ऑपरेटर की कंडीशनल ऑपरेटर कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें और दूसरों की हेल्प करते रहें।